हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवेज क्रैकर्स में। आपका आज का सबसे बड़ा न्यूज़ अर्थात ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ किस प्रकार से है तो फ्रेंड्स, आज अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, ये वीडियो में आपको मैं कोई भी लाइक और कोई भी सब्सक्राइब के बारे में नहीं बोलूँगा, बशर्ते ये कि आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। आज ही देखिए, याद रखिए फ्रेंड्स, जो है ना, भारतवर्ष में पूरे जगह पर लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इसके चलते जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छे और कुछ आवश्यक घोषणाएं किए हैं। इस आवश्यक घोषणाओं के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या क्या उन्होंने घोषणाएं की हैं, किस किस प्रकार के घोषणाएं उन्होंने लागू किए हैं। और याद रखिए फ्रेंड्स, इस घोषणाओं के बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहली घोषणा के बारे में बात करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक घोषणा लॉन्च की है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जो है ना कृषि या निधि योजना आयोग, ठीक है ना, कृषि के लिए ये निधि योजना है। इस योजना के तहत सभी किसान वासियों को जो है ना, कम से कम उनके बैंक खाते में 11,000 का धन राशि आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो 11,000 का जो धन राशि है, आप किस स्टेट से हो, किस जो है ना जाति के हो, आप जरूर वहाँ का जो है ना हमें पता जरूर बताइएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना सिर्फ बैंक का नाम बताइएगा और अपना नाम, पूरा नाम बताइएगा, और किस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं वो नाम जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया जरूर है कि जो मान्यवर हैं या कहीं के भी हों, उनको पैसे नहीं काटे जाएंगे, उनको पूरे के पूरे 11,000 रुपए मिलेंगे। और बात करेंगे फ्रेंड्स उन मजदूरों को जिनको जो है ना 3 महीनों से जो है ना उनको उनको जो है ना नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए उनको बेरोजगार समझकर बैठा दिया गया है, बेरोजगार समझकर बैठा दिया गया है। तो उन्होंने बताया फ्रेंड्स, इनकी जो एक योजना आई है उनके उसके तहत सभी मजदूरों को है ना 3 महीने तक जो है ना फ्री, उनको पूरे पेंशन के तहत, पूरे सैलरी के तहत उनको पूरा पैसा मिलेगा। तो याद रहे फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो में अटपटा रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये जो भी है ना कर्मचारी कंपनी मनरेगा श्रमिक सभी के लिए, देख फ्रेंड्स, ये जो है ना विद्युत कटिंग है पूरी। अगर आपको देखना है तो फ्रेंड्स याद रहे फ्रेंड्स, यूट्यूब में ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। गरीब किसान के लिए, महिला दिव्यांग के लिए, देखिए 20.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 3 माह तक 500 रुपए भी दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, हर माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भी मिलने लगेगा। अब 3 महीने तक 5 किलो अनाज अतिरिक्त मिलेगा। स्वास्थ्य कर्मी के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के 22 लाख कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा होगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे कम है कि फ्रेंड्स 90% का वेतन 15,000 रुपये से कम है, कामगार अपने अंशदान का 75% इसको देने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि देश भर में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के वजह से पूरे जगहों पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कोई भी दुकान, कोई भी डलिया, कोई भी जो है ना राशन पाती का जो सामान है नहीं खुल रहा है, उसके वजह से जितने भी है ना आम नागरिक बहुत संकट में पड़ चुके हैं। और ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि ये कुछ दिनों के बाद, देखिए फ्रेंड्स, आपको सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि और 3 महीने तक का आपका जो है ना लॉकडाउन चलेगा, लेकिन ये इस जो है ना झूठी अफवाहों में मत पड़िएगा। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 14 अप्रैल के बाद जो है ना सभी को एक खुशहाली भरी जो है ना न्यूज़ मिलेगी। और ये न्यूज़ है, आपको बताऊँ फ्रेंड्स, ये सभी जो है ना मनुष्यों के लिए है, सभी आदमियों के लिए है। तो याद रहे फ्रेंड्स, कृषि से अगर आप संबंध रखते हो, कृषि से कोई भी जो है ना मनुष्य संबंध रखता है, कोई भी आदमी संबंध रखता है, तो कृषि से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जो है ना न्यूज़ आई है। प्रधानमंत्री कृषि जो सम्मान निधि योजना जो है ना, इसके तहत आपको कम से कम, मैंने बताया फ्रेंड्स कि 11,000 मिलेंगे, लेकिन कुछ अभी जो है ना कंट्रोवर्सी की वजह से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है ना 6,000 करके सभी जो है ना कृषि धार्मिक धारक को 6,000 करके अभी, देखिए फ्रेंड्स, इसी 3 महीने के भीतर भीतर सभी को पहुंचा दिए जाएंगे। अगर आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में जरूर बताइए फ्रेंड्स कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। योग्यता सभी के सभी जो है ना तारीख, आवेदन फॉर्म सभी मिल जाएंगे फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये 6,000 करके हर एक जो आदमी को उनको मिलने वाला है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जो है ना ये जो है सभी को मिलेगा, कृषि धारकों को मिलेगा। नहीं मिला तो ये करना है, ये काम, जो कौन कौन सा काम करना है आपको,
करना तो ये है फ्रेंड्स कि आपको एक फॉर्म बताऊंगा अगले वीडियो में, आपको एक फॉर्म बताऊंगा जो कि फॉर्म आपको भरने होंगे, वो फॉर्म आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये फॉर्म भर लिए तो आपको कम से कम 6-6 हज़ार करके हर एक कृषि जो है वैज्ञानिकों को या जितने भी जो है आदमियों को, सभी को प्रधानमंत्री कृषि के हिसाब से 6-6 हज़ार करके दिए जाएंगे। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, अगर ये जो अगर आप काम कर लेते हो तो आपको 6-6 हज़ार करके मिलेंगे ही मिलेंगे, या चाहे आप किसी भी, आपके बच्चे या कोई भी बूढ़े कहीं भी बाहर किसी स्टेट में काम कर रहे हैं तो उनको देखिए राशन का भी पूरा इंतजाम किया गया है। राशन में देखिए यूपी सरकार और बिहार सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणा की है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बनाऊंगा अगले वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो तभी फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जो आवेदक का जो फॉर्म है किस प्रकार से ये राशन कार्ड को भरना है। ऑनलाइन संशोधन जो है ना, आपको 6 वर्ष प्रति वर्ष तक के लिए मिलेगा ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ठीक है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत ये बताया गया है कि आपको जो है ना ये कितने घर बैठे जो है ना ऑनलाइन संशोधन कर सकते हो फ्रेंड्स। आपको 6-6 हज़ार रुपये प्रति वर्ष मिले जाएगा इस फॉर्म को भरने के बाद। इस फॉर्म को अगर भर देते हो तो फ्रेंड्स ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो पेज आपको देखने को मिल रहा है ये क्यों नहीं आया आपका पैसा, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हो घर बैठे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत ये न्यूज़ निकल के सामने आई है। और याद रखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ने ये जो घोषणा की है सभी को के लिए की है, और ये अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको हर एक जगह पर अच्छे खासे राशन मिल जाएंगे। तब तक फ्रेंड्स, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है फ्रेंड्स, 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है जो कि 14 अप्रैल को खत्म होगा, और ये 21 दिन के लॉकडाउन के भीतर बहुत आदमियों को ना प्रॉब्लम के देखने को मिल रहा है। आपने देखा भी होगा कि कुछ-कुछ स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में जो है ना ये काम स्टार्ट भी हो चुका है, बहुत जगहों पर राशन पहुंचाया भी जा चुका है। अगर आपके पास राशन नहीं पहुंचाया फ्रेंड्स तो मुझे कांटेक्ट करिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जाके अपना नाम पता जरूर लिखिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप किस स्टेट से हो, कहां से बिलोंग कर रहे हो। तो उसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छी धमाकेदार वीडियो बनाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स कैसे लग रही है ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। और ये राशन कार्ड को लेकर जो लिया गया ये बड़ा फैसला है, ये प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया गया बड़ा फैसला है। उन्होंने बताया है फ्रेंड्स कि सभी को इस राशन के तहत, सभी को देखिए फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हो आप, सभी को इस राशन के तहत सभी को ये अच्छे खासे राशन मिलेंगे, जो है ना आपको दाल चावल और जो है ना कुछ पर्टिकुलर जो सोयाबीन्स होते हैं, जो याद रखिए फ्रेंड्स ये जो कृषि आवास योजना के तहत जो दी जाती है फ्रेंड्स, कृषि धार्मिक योजना के तहत दी जाती है, ये सभी आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, गेहूँ धान सभी के सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये बताया गया है और ये जो है आप सभी को मिल जाएगा टाइम टू टाइम। तो देखते रहिए इस वीडियो को, और बताने वाला हूँ जो एक नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें और भी डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहिए और समझते रहिए क्या प्रॉब्लम हो रही है इस 21 दिन के लॉकडाउन में। ये जो बड़ी खबर है आप शेयर कर सकते हो अपने भाई बंधुओं के साथ, और अपना स्टेट वाइज नाम जरूर लिखिएगा। इससे होगा क्या, देखिए फ्रेंड्स आप लॉकडाउन देख सकते हो, हर एक जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है। आदमी जो है ना मेडिसिन से लेकर हर एक चीज, हर एक डिपार्टमेंट को मतलब बहुत दूर दूर रहकर ही काम अपना करना पड़ रहा है, दूर दूर रहकर ही काम करना पड़ रहा है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम फेस करने से होगा क्या, उनको हर जगह प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने कुछ कुछ योजनाओं के तहत उनको ये बताई है कि जो भी आप डिपार्टमेंटल जॉब कर रहे हो या ऑफिसेज में जॉब कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपको कम से कम 21 दिन तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको फ्री में आपको पूरे सैलरी दी जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, 8वीं, 10वीं और 1 से लेकर 7वीं तक जो है बच्चे हैं उनको भी पास कर दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताया गया है। आपको मैं पेपर कटिंग के द्वारा बताया था मैंने कुछ दिनों के पहले, और अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो जो न्यूज़ है सभी के लिए मैंने बनाया था, ठीक है, हर एक CBSE डिपार्टमेंट के हर एक बच्चे के लिए बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें 9 और 11 जो क्लास के बच्चे हैं, 1 से लेकर 9 तक के और 11 तक के जो बच्चे, 10th और 12th का जो अलग से डिपार्टमेंट एग्जाम होगा वो एग्जाम आपको देना होगा 29 सब्जेक्ट्स का। लेकिन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो कृषि से जो किसान के लिए फ्रेंड्स मिलेंगे 6-6 हज़ार रुपये, ये जो योजना है हर जगहों पर चलाई गई है। ये जो योजना अगर चलाई गई है तो किसान सम्मान योजना के, सम्मान निधि योजना के तहत चलाई गई है योजना। अगर आपको अच्छी लगे तभी आप इस योजना के तहत आपको फॉर्म भरने हैं,
फॉर्म को भरना कैसे है ये भी मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जाने से पहले आपको बताने वाला हूँ जो इस निधि सम्मान योजना है, इस योजना के तहत आपको कम से कम 6,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको कुछ टैक्स भी मिल जा सकता है, अगर आपको टैक्स मिल जाए तो उसकी भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। टैक्स कुछ इस प्रकार से मिलेंगे फ्रेंड्स, अगर 6,000 आपको मिल रहे हैं तो कम से कम 5,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप उस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करते हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है सभी के लिए है, पूरी जानकारी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।